हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट यानी मूंगफली में टिक्का रोग के बारे में स्टडी करेंगे। मूंगफली में टिक्का रोग ये दो पैथोजन्स सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा होता है, जिसके सिम्टम्स अर्ली और लेट लीफ स्पॉट है। सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला जिसकी परफेक्ट स्टेज माइकोस्फेरिला अरेकिडिकोला है, ये अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ कॉज करता है, जबकि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जिसकी परफेक्ट स्टेज माइकोस्फेरिला बर्किली है, ये लेट स्पॉट डिजीज़ कॉज करता है। और ये इसका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का अब नया नाम फियोसेरियोप्सिस पर्सोनेटा है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सर्कोस्पोरा की, तो डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डेमेशिएसी और जीनस सर्कोस्पोरा है। जबकि माइकोस्फेरिला की बात करें अगर, तो ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ये डिजीज़, टिक्का डिजीज़ को हम लीफ स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, टिक्का डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर ग्राउंडनट इज़ ग्रोन। इट अकर्स इन USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। द डिजीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या इसके आर्थिक महत्व के बारे में हम बात करें, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सफर्स 20-30% पॉड लॉस फ्रॉम दिस डिजीज़। द लॉस गोज अप टू 70% इफ इट इज़ अकम्पनीड बाय रस्ट। द अर्ली लीफ स्पॉट अपियर्स ऑन 3-4 weeks ओल्ड प्लांट एंड द लेट लीफ स्पॉट अपियर्स ऑन 6-8 week ओल्ड प्लांट। लेट लीफ स्पॉट इज मोर डिस्ट्रक्टिव एंड मोर कॉमन इन साउथ इंडिया, वाइल अर्ली लीफ स्पॉट इज लेस डिस्ट्रक्टिव एंड इट इज़ प्रीडोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया। सिम्टम्स या लक्षणों की बात करते हैं हम अगर, दोनों के सिम्टम्स काफ़ी अलग हैं और डिस्टिंग्विशेबल है, हम आसानी से पहचान से सकते हैं कि कौन सा अर्ली लीफ स्पॉट है और कौन सा लेट। तो ये हम बता रहे हैं हेल्दी प्लांट है जिसमें बहुत नॉर्मल पॉट साइज़ है, ग्राउंड नट्स अच्छी तरह से हेल्दी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी लीफ है जो कि एकदम हेल्दी है। जबकि यहाँ पर हम अर्ली लीफ स्पॉट की बात करें जो सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला से हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये स्पॉट्स सर्कुलर से इरेगुलर स्पॉट्स हैं और ये लगभग 1-10 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं। ये रेडिश ब्राउन अपर सरफेस पर होते हैं और लोअर सरफेस पर कभी कभी लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स मिलते हैं। और ये इसका जो मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, वो ये है कि स्पॉट्स के चारों तरफ येलो हेलो मिलता है। जबकि लेट लीफ स्पॉट इधर हम देख रहे हैं, ये लोअर लीफ सरफेस पर है और यहाँ हम ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं। तो ये इसमें ये 1.6 मिलीमीटर के सर्कुलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स हैं और इसमें हेलो नहीं मिलता है, येलो हेलो इसमें नहीं मिलता है, येलो हेलो अर्ली लीफ स्पॉट में मिलता है। तो अर्ली लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला से है, जबकि लेट सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से कॉज होती है। सिम्टम्स अपियर व्हेन द प्लांट्स आर 1-2 months ओल्ड। ड्यू टू एक्सेसिव स्पॉट्स ऑन द लीव्स देयर इज ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द फॉलिएज विच रिजल्ट्स इन डीफोलिएशन। Consequently, fewer and smaller nuts are formed. Severe infection leads to 22% reduction in yield. Cercospora arachidicola causes early leaf spot disease, while Cercospora personata causes late leaf spot disease. ये हमने अभी डिस्कस किया है। अगर हम सिम्टम्स ऑफ अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ की बात करते हैं, तो ये सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला से कॉज होता है। सिम्टम्स सारे एरियल पार्ट्स में होते हैं, जबकि प्री डोमिनेंट कहाँ पर होते हैं, लीव्स पर। डिजीज स्टार्ट्स अपियरिंग एज पेल येल्लो एरिया ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स। द सिम्टम्स आर रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, सर्कुलर टू इरेग्युलर इन आउटलाइन विच जॉइंस लेटर। बाद में वो जुड़ जाते हैं, स्पॉट्स बड़े हो जाते हैं और स्पॉट्स आर सराउंडेड बाय येल्लो हेलो, जो कि इसका मेन फीचर है अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज का।
लेटलिस स्पॉट की बात करते हैं. सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्कोस्पोरा परसोनेटा. द स्पॉट्स आर स्मॉल इन साइज है. ये हमने कहा कि 1 to 6 millimeter साइज़ के होते हैं, जबकि अर्ली के 1 to 10 millimeter साइज़ के हैं. दिस स्पॉट्स आर नॉट सराउंडेड बाय येल्लो हेलो. यहाँ येल्लो हेलो नहीं मिलता है. और स्पॉट्स ऑन द लोअर सरफेस आर कार्बन ब्लैक इन कलर. तो ऐसे हम दोनों के लीफ स्पॉट्स से सिम्टम से पहचान सकते हैं कि कौन कौन सा लीफ स्पॉट है. अब कोनिडियोफोर और कोनिडिया की हम बात करते हैं. इसमें कोनिडियोफोर और कोनिडिया डेवलप होते हैं. तो ये जो हमने सिम्टम्स दिखा रहे हैं लीफ पर सिम्टम्स है, अर्ली या लेट लीफ स्पॉट के बारे में हम बात करें तो, और यहाँ पर ये जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लग रहे हैं. ये कोनिडिया एलोंगेटेड है, सेप्टेट है, ऑफ क्लेवेट कोनिडिया है. और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इस फ्रूटिंग बॉडी में सब स्टोमेटल कैविटी पर बनती है. इसमें लंबे इलोंगेटेड कोनिडिया हैं और ये कोनिडिया जेनिक्यूलेट कोनिडिया हैं. जेनिक्यूलेट का मतलब है कि इनमें जॉइंट मिलते हैं. इसमें स्कार्स पता चलता है कि यहाँ से पहले कोई कोनिडिया डिटैच हो गया है. तो एक कोनिडियोफोर पर एक ही कोनिडिया लगता है जो कि सेप्टेट है और क्लेवेट कोनिडिया है. तो ये इसका कोनिडियोफोर और कोनिडिया. जो कोनिडिया वास्तव में प्राइमरी इनोक्यूलेशन का काम करता है डिजीज़ को डेवलपमेंट में. देन हम डिजीज़ साइकिल की बात करते हैं. सर्कोस्पोरा परसोनेटा और सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला की. ये है अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़. दिस इज अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ है. अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ जो कि कोनिडिया के कारण होती है, लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ भी कोनिडिया के कारण होती है. और इनमें डेब्रिस में जो इन्फेक्टेड प्लांट की डेब्रिस पे मिलने वाला कोनिडिया या फ्रूट नट शेल पर मिलने वाला कोनिडिया रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी इनोक्यूलम के लिए. और वो एंटर करता है, ये कैरी आउट होते हैं विंड और रेन स्प्लैश के द्वारा, पानी और हवा के द्वारा. और फिर ये लीफ की सरफेस पर कोनिडिया आकर लगते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं जर्म ट्यूब के द्वारा. और फिर कोनिडिया वापस से एग्रीगेट करते हैं सरफेस पर और एपिडर्मिस रप्चर होती है. कोनिडियोफोर से कोनिडिया बाहर निकलते हैं. ये जो कोनिडिया हैं, ये कोनिडिया वापस से लीफ को इन्फेक्ट करते हैं, स्टोमेटा से एंटर करते हैं. ये इंटरसेल्युलरली अर्ली लीफ स्पॉट में इंटरसेल्युलरली प्रारंभ में ग्रो करते हैं और बाद में जब सेल्स डेड हो जाती हैं तो इंट्रासेल्युलरली माइसिलियम ग्रो करेंगे. और ये में इनमें किसी भी तरह का कोई होस्टोरिया नहीं मिलता है. जबकि हम लेट लीफ स्पॉट की बात करते हैं तो जो कोनिडिया हैं वो जर्मिनेट करते हैं, स्टोमेटा से एंटर करते हैं और इंटरसेल्युलरली ग्रो करेंगे और इनमें चुष्कांग या होस्टोरिया मिलता है लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ के कोनिडिया में. जबकि अर्ली लीफ स्पॉट इंटरसेल्युलरली और बाद में इंट्रासेल्युलरली ग्रो करता है. अब इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है और उस इसको कार्प और उसमें मिलने वाले एस्को स्पोर्ट्स, ये किसी भी तरह से प्राइमरी इनोक्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. ये डिजीज़ साइकिल इस तरह से चलता रहता है. प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और इस तरह से पूरी की पूरी फील्ड में जहाँ की भी ये क्रॉप ग्रो कर रही है ग्राउंड नट की, वहाँ पर ये साइकिल मूव ऑन करता रहता है. कब? जब तक कि ये सीज़न इसका ऑफ नहीं हो जाता है. अच्छा, इसके सिम्टम्स को फैलने के लिए, डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए जो फिज़िकल फैक्टर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो टेम्परेचर 20 to 30 degrees centigrade और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 80 to 90% चाहिए होती है. और ये सारे के सारे सिम्टम्स, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको रेनी सीज़न में अच्छी तरह से मिलती है. तो ये डिजीज़ रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा फैलती है और डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा सर्कोस्पोरा परसोनेटा के द्वारा होता है. सर्कोस्पोरा से एक फाइटोटॉक्सिन निकलता है सर्कोस्पोरिन, और वो सर्कोस्पोरिन रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने का. उसके लिपिड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इससे सेल्स डेड होती है. अब हम इसके डिजीज़ कंट्रोल की बात करें कि डिजीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिजीज़ का मैनेजमेंट कैसे होगा. तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, केमिकल कंट्रोल, बायो कंट्रोल और फिर वेदर एडवाइजरी सिस्टम के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं.
कल्चरल प्रैक्टिसेस में लाइक क्रॉप रोटेशन, फील्ड सैनिटेशन, वीड कंट्रोल, रिड्यूस द इनोक्यूलम, केमिकल कंट्रोल बाय फोलियर स्प्रे ऑफ कावात, बेविस्टिन एंड मैनकोजेब मिक्सड विथ कार्बेंडाजीम गिव गुड रिजल्ट. कॉपर, सल्फर एंड देयर मिक्सचर्स आर यूज एज डस्ट. नीम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट का 5% और नीम सीड कर्नेल का 5% जब स्प्रे किया जाता है 2 वीक्स इंटरवेल में तो वो गुड कंट्रोल रिजल्ट देता है. द टाइम एंड अमाउंट ऑफ फंजीसाइडल स्प्रे कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ WBAC वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम जो कि डेवलप किया रेडी एंड कलीग्स ने कहाँ पर, इक्रीसेट हैदराबाद में. इट इज़ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनोक्यूलम एंड फेवरेबल वेदर फॉर डिजीज स्प्रेड. तो इस तरह से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा, केमिकल स्प्रे के द्वारा, बायो कंट्रोल और वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम के द्वारा, ताकि कम से कम क्रॉप का लॉस हो, क्योंकि ग्राउंडनट एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है और इसका नुकसान हमें काफ़ी इकोनॉमिकली लॉस करता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे और सही तरीके से करें. और थैंक यू.